गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है 17 जुलाई। तो आज मैं बहुत दिनों के बाद ब्लॉग बना रही हूँ, क्योंकि इस बरसात में ना बहुत ज़्यादा मुश्किल आई है हमें। हमारे पूरे घर में पानी ही पानी हो गया था, इतनी बुरी हालत हुई है। और एक दो बार तो इतनी ज़्यादा बारिश ही हुई है कि जो पानी था वो घर के नीचे, जो नीचे वाली मंजिल है हमारी, उसके सारे कमरे भर गए थे पानी से। और हमें आंगन की छोटी सी जो दीवार लगाई होती है वो तोड़ के खेत की तरफ पानी करना पड़ा था। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी में रही मैं। और आज थोड़ा मन ठीक है तो मैं उसे ब्लॉग बना लेती हूँ। पहले इतना पानी नहीं आता था, क्योंकि पहले एक तो जो सड़क थी वो डाउन थी, और अब सड़क ऊपर ऊपर होती जा रही है और घर थोड़ा डाउन में जा रहा है हमारा। और जो खेत हैं लोगों के, उन्होंने खेतों में नाले बनाए हुए हैं और वो सारे सड़क की तरफ किए हैं, तो खेत का जो सारा पानी एकदम से सीधा आता है और हमारे घर की तरफ डाउन में चला जाता है। लोगों ने अपने खेत तो बचा लिए हैं, लेकिन घर से उन्हें कोई मतलब नहीं है। खेत ख़राब नहीं होने चाहिए, घर बेशक गिर जाए कोई बात नहीं। तो इस वजह से काफ़ी परेशानी थी। तो सिस्टम से भी हमने बात की, जो भी होता है पंचायत तो में गए, मंत्री से मिले, जो SDO वगैरह होते हैं उनसे, PWD के, लेकिन कुछ काम बना नहीं। सिर्फ आके देख के चले जाते हैं, करते कुछ है नहीं। एक तो जो सड़क में जो नालियां हैं वो बिल्कुल बंद हो चुकी हैं, और उस वजह से पानी सड़क में ही, बीच सड़क में आ जाता है, उस वजह से डाउन आ जाता। अगर नालियाँ अच्छे से बने हों तो सीधा पानी आगे निकल जाता है। तो सिस्टम भी कुछ नहीं करता। अगर बाकफीत हो आपकी तभी कुछ एक्शन हो सकता है, अगर बाकफीत आपकी नहीं है तो कोई कुछ भी नहीं करता है। और हमने थोड़ा थोड़ा खुद ही किया है अपना। एक तो वो आंगन तोड़ा और गेट के पास थोड़ी सी हमने खुद ही ईंटें लगा के थोड़ी ऊंची कर दी है जगह, ताकि जो पानी है अब नहीं, अब पता नहीं अब आता है या नहीं आता। उसके बाद इतनी बारिश हुई नहीं है, अब जब बारिश होगी तभी पता चलेगा कि कितना पानी आता है। 2-3 साल बाद देखते हैं, इसका हमें ही खुद पक्का इलाज करना पड़ेगा, क्योंकि सिस्टम तो कुछ भी नहीं करेगा। अगर आपकी वाकफीत है तभी सिस्टम कुछ करेगा, वरना कुछ भी नहीं। ये हमें अब पता चल चुका है। तो देखते हैं अभी 2-3 सालों बाद। आप ना इतना बड़ा स्टेप एकदम से नहीं ले पाते हो कि एकदम से मन में सोचा और ये काम कर दिया। इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, आपको सोचना पड़ता है, आपका हर एक चीज़ बैलेंस करनी पड़ती, तभी आप ये देख पाते हो। देखते हैं अब क्या हो पाता है। एनीवेज, तो अभी मैं बनाने वाली हूँ आलू के पराठे, और आज मौसम भी बहुत अच्छा है। काफ़ी दिनों बाद हम ये आलू के पराठे खा रहे हैं। जब बहुत ज़्यादा धूप होती है तो मन बिल्कुल भी नहीं करता है, तो आज मन भी कर रहा है। और आलू मैंने उबाल लिए हैं। Thank you.
गाइस हमने नाश्ता कर लिया है और अभी टाइम 10 बज चुके हैं, तो इस व्लॉग का मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अब आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।